और उस टाइम के डेटा के अंदर होती थी, अब इस टेक्नोलॉजी को इंसर्ट के अंदर दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। इंसर्ट पे आप जाएंगे तो मोस्ट टॉप पे दिया हुआ पेमेंट, ऑटोमेटिकली आपकी रेंज सिलेक्ट कर देता है। अभी आप कोई सवाल नहीं पूछिएगा, बस ये देखें मैं काम क्या कर रहा हूँ मेरे साथ, यहाँ पर यहाँ देखें लैपटॉप स्क्रीन सब छोड़ दें। अब ये मेरे पास एक पिवट आ गया। अब यहाँ देखें कॉलम लेबल, रो लेबल्स और वैल्यूज। अब आप ये देखेंगे मैं रिपोर्ट क्राइटेरिया कैसे कैसे चेंज करता हूँ। मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ कस्टमर वाइज रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है, ये आ गई आपके पास। मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें प्रोडक्ट वाइज डेटा आ गया। अब इधर आप यहाँ देखें नल वैल्यूज आ रही हैं, नल वैल्यूज आ रही हैं। मैं चाहता हूँ नल वैल्यूज पे कोई वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ ऑप्शन में आ जाऊँ। ऑप्शन में आने के बाद फॉर एम्प्टी सेल शो, यहाँ मैं दे दूँ जीरो, तो एम्प्टी सेल पे क्या आ गया जीरो। देन लेट सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे रीजन भी आ जाए, ये मेरे रीजन आ गए। अब ये देखें इसी के साथ मिला हुआ आ रहा है, कोई रिपोर्ट स्टाइल तो नहीं है। मैं यहाँ डिजाइन में आने के बाद रिपोर्ट लेआउट पे आ जाऊँ, उसे टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट दे दूँ, तो देखें रीजन अलग सेपरेट हो गए, टेबुलर फॉर्म में डेटा चला गया। इसी तरह रिपोर्ट फिल्टर होता है, रिपोर्ट फिल्टर में ये चाहता हूँ कि मेरे पास रीजन वाइज सेपरेट सेल आ जाए, मेरे रीजन वाइज सेपरेट सेल आ जाए कि मैंने कितना काम किया। तीन मैं आप ये देखें ज़्यादा ज़्यादा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँ कि नॉर्थ की सेल बता दो तो ये मुझे नॉर्थ की सेल बता देगा, मैं अगर साउथ पे क्लिक करूँगा तो साउथ की सेल आ जाएगी, ऑल करूँगा तो सारी सेल आ जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सेपरेट शीट में चला जाए, ठीक है, मुझे डेटा कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, सेपरेटली अलग शीट में चला जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देयर इज अ टेक्नोलॉजी कि आप ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में आने के बाद एक टेक्निक होती है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, जो चीज़ आपने रिपोर्ट फिल्टर पे रखी होगी वो अलग सेपरेट शीट में चली जाएगी। तीन सेपरेटली आपकी अलग शीट बन गई, सेंट्रल नॉर्थ साउथ, ये देखें आ रहा है यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ, और एक्चुअल शीट पे क्या है ऑल, और यहाँ देखें ग्रांड टोटल हो रहा है। अब आप इसमें ये देखना चाहते हैं कि आपके पास टॉप फाइव कस्टमर कौन से हैं जिन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है, तो मैं यहाँ कस्टमर पर आऊँ, कस्टमर पे आने के बाद ये फिल्टर पे क्लिक करूँ, यहाँ पर होता है वैल्यू फिल्टर टॉप टेन। अब यहाँ देखें मेरे टॉप फाइव कस्टमर कौन है आइटम वाइज सम ऑफ रेवेन्यू की बेसिस पे, ये मेरे टॉप फाइव कस्टमर है। तो आप उसी पे टॉप लेके जाएंगे ना कस्टमर को, और ये रिपोर्ट एवरी मंथ बन रही होती है और मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जा रही होती है उस चीज के लिए। आप तो यहाँ आके देखें आप वापस आएंगे इस पे को क्रिएट, आपने फिल्टर को क्लियर करना है तो क्या कर देंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर, क्लियर हो गया। अगेन आप कस्टमर पे आएंगे, यहाँ कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं टॉप टेन के ऊपर तो ये देखें बॉटम भी हैं, बॉटम फाइव कस्टमर कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। तो देयर इज अ टेक्नोलॉजी बिटवीन टॉप एंड बॉटम, क्योंकि एनालिसिस किस चाहिए होती है ना आपको सेल्स के ऊपर और मुख्तलिफ डेटा के ऊपर, ताकि आप उस रीजन को कवर करें, क्योंकि आप इतनी सेल्स मैनेजर, ट्राइटेरी मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, उनको इतनी हाई पेड सैलरी दे रहे होते हैं, ठीक है, और वहां से अगर आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, दो महीने, चार महीने, छः महीने, साल देखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उसे कहीं मर्ज कर देंगे रीजन के अंदर। क्या कहते हैं आप, जैसे पंजाब में बहुत सारी जगह पे अब अगर बिजनेस नहीं आता तो क्या कर देते हैं, दो तीन रीजन को मिक्स करके लाहौर का लाहौर के अंदर कर देते हैं, यदि अब ये डील करेगा आपको। बैंक देखें, बैंक में भी यही हो रहा होता है ना, ब्रांच ओपन हो रही होती है,
ब्रांच रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती तो क्या करते हैं, दो ब्रांच को एक बैंक में मर्ज कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? तो बिजनेस, और बिजनेस को चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऐसे एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए होती है, यही आपको डिसाइड करा रही होती है कि जी आप कहाँ खड़े। इज इट क्लियर? अब अगर आपको यहाँ पे कोई भी डेटा हटाना है तो आप आराम से हटा सकते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास ये रीजन आ रहे हैं, ठीक है, और रीजन मेरे पास ये समझ लें यहाँ पर है, और ये मेरे पास डेट्स हैं, ये डेट्स आ रही हैं। मैं इसकी बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल बनाना चाहता हूँ, तो कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? कर सकता हूँ। मैं यहाँ ऑप्शन में जाऊँ, मेरे पास ग्रुप फील्ड है, कंपनी 2007 में कहाँ खड़ी थी, 2008 में कहाँ खड़ी है, कोई फंक्शन लगाया आपने, कितना टाइम लगा, सेकंड्स। तो टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से, मोस्टली लोग पीवेट को जानते नहीं है, अगर जानते हैं तो बस पीवेट में इस तरह लिया और रिपोर्ट किस तरह बनेगी, दैट्स इट, उसके फर्दर फीचर्स को नहीं जानते। तो क्या आप कह सकते हैं कि आपको ये टेक्नोलॉजी आती है? जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भी, मुझे ERP आती है, भी क्या आती है भाई, सैप पे काम कर रहा हूँ, तो सैप पे काम करना एक अलग बात है, उसकी टेक्नोलॉजी पे एक्सप्लोर करना एक अलग बात है, ठीक है। तो उस पर डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो उसको ट्रेनिंग दी गई है, भाई ये कोटेशन इस तरह बनती है, फलाना चीज़ इस तरह बनती है, फाइनेंशियल इस तरह, तो वो सिर्फ वही चीज़ कर सकता है, उसमें शॉर्ट ऑफ को कस्टमाइजेशन कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो कंपनी को क्या चाहिए? एनालिसिस। एनालिसिस जब ही होगी जब आप उसको टेक्नोलॉजी को समझेंगे। तो यहाँ आपको देखें और दे रहा क्राइटेरिया ग्रुप फील्ड में, मैं मंथ को हटा के क्वार्टर्स कर दूँ तो ये देखें क्वार्टर वाइज आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी तरह बनी होती ना, क्वार्टर्स के अंदर क्या पोजीशन है, जस्ट प्लग इन प्ले। हाँ आप क्या जाते हैं, हर चीज प्लग इन प्ले होगा, लगाओ स्मार्टली वो चीज को एक्टिवेट हो जाए, आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं उसकी, आइए ऐसी चीजों को आप खरीदेंगे रखेंगे। तो क्या आप टेक्नोलॉजीज वाइज प्लग इन प्ले हैं, तो कंपनी जिस डिपार्टमेंट में आपको मूव करना चाहे आप वहां काम कर सकें? आप तो पहले बोलेंगे मुझे तो उसकी अलिप्य नहीं पता, पहले मुझे उसकी ट्रेनिंग दो। तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट का खर्चा करती हैं? अगेन यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ कि जी क्वार्टर्स भी हटा दो, हायर भी हटा दो, मैं बात कर देता हूँ डेट्स पे। ये देख इधर देखें, डेज की बात कर रहा हूँ, 7 days का हेड बना दूँ, ये स्पिन बटन कहलाता है, खुद ही बता देगा मेरा वीकेंड कब हुआ था, स्टार्टिंग वीक कब था और एंडिंग वीक क्या था, और उस वीक वाइज बिजनेस कितना जनरेट हुआ। इसी तरह आप इंसर्ट में आपको एक चीज़ दी होती है स्लाइसर, स्लाइसर एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लेट सपोज आप रीजन की बिहाव पर स्लाइसर बनाना चाहते हैं कि जिस रीजन पे क्लिक करें उसका आपके पास यहाँ प्लग इन प्ले शुरू हो जाए, साउथ तो देखें साउथ का टोटल आ रहा है, नॉर्थ तो नॉर्थ का आ रहा है, सेंट्रल तो सेंट्रल, ये आपको 7 में नहीं मिलेगा,
यही चीजों के लिए आप मैक्रोस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, आप लोग किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं? अकाउंट फाइनेंस रिलेटेड, तो प्रोग्रामिंग तो आपकी जॉब नहीं है और ना आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम जॉब नहीं है। तो आज कल ऐसे टूल मंगाए जा रहे हैं जिन टूल्स को आप स्मार्टली यूज कर सकें, तो उन चीजों के लिए आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं डेटा आपका किस हिसाब से। दूसरी, क्या आपके पास कोई एयर नाम की कोई फील्ड थी डेटा के अंदर? नहीं थी ना, तो एक वर्चुअल फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है। ऐसी फील्ड जो आपकी फील्ड लिस्ट पे ना हो, आपने क्रिएट की हो, उसे कहते हैं वर्चुअल फील्ड। इसी तरह आपके पास और बहुत सारी इसके अंदर टेक्नोलॉजी, देयर इज अ टेक्नोलॉजी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स भी डाल दें आप यहाँ पर, ये प्रोडक्ट्स भी आ गए, कौन सा प्रोडक्ट की क्या सेल हुई है। अब मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ इंसर्ट स्लाइसर, मैंने बोला जी प्रोडक्ट भी ऐड हो जाए। ये देखें, मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा उस प्रोडक्ट की सेल आ जाएगी। This is called dashboard. This is called dashboard. एक dashboard है आपका ये. Dashboard का मकसद क्या होता है? One click पर आपकी report maintain हो, build कर रहा है आपकी report. तो management आपसे criteria पूछती है ना कि भाई मैं आपको फला सारी report देखनी है या किसी specific product की? ये specific product की आपके पास आ गई। क्या स्पेसिफिक रीजन के अंदर? तो ये देखें स्पेसिफिक रीजन के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? प्लगइन प्ले रिपोर्ट बन रही है, तो है ऐसी हार्ड चीज। पर यहाँ ऐसे काम करने वाले कितने लोग हैं? यहाँ आप किसी को रिपोर्ट दे दें, एक एक दिन में रिपोर्ट नहीं बनती, दो दिन में रिपोर्ट नहीं बनती। कंपनी आपसे ये काम मांगती है और यही चीजें ही आपका पैकेज डिसाइड करती हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है, जैसे मार्केट चल रही है वैसे ही काम करना है या आपको अपने आप को किसी और जगह पे लेके जाना है। देखें मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बीकॉम करके कितने हजार स्टूडेंट पास हो रहे होते हैं केयू से, क्या रेशियो है केयू से? मतलब साल की अगर बात करें तो 1500 स्टूडेंट तो पास आउट होकर निकल रहे होते होंगे ना, 3-4 हज़ार। फिर कॉलेज भी तो गिने, एफिलिएशन कॉलेजेस जो हैं वहाँ से भी बताइए। ये तो आप रेगुलर की बता, रेगुलर का क्या रेट होगा? दो ढाई हज़ार स्टूडेंट रेगुलर में, और प्राइवेट में कितने होंगे? हजार 1500 तो होंगे ना, मतलब 4-5 हज़ार हर साल पास आउट होके निकल रहे हैं, तो क्या इतने लोग जॉब कर रहे हैं? और बीकॉम पर जॉब क्या मिलती है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर आप ये चीजें जानते होंगे तो यही आपको तो डिस्टिंग करेगी, यही तो यूनिकनेस है आपने और दूसरे में, मतलब डिग्री तो वो भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन के साथ अगर ये चीजें आती हैं तो आपका पैकेज अच्छा बनता है, ठीक है। तो आजकल कंपनीज को काम चाहिए, ठीक है, तो काम के लिए पैसे देते हैं। कंपनी ये देगी, आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह क्या ऑप्शन है आपके पास, आप पार्ट टाइम कहीं काम कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बीकॉम पर जाते हैं तो वो तो आपसे सालों रगड़ेगा और तनख्वाह कितनी देगा? 5,000। क्या भाई अभी तो आप ट्रेनी हैं, क्या कहते हैं आप, अभी आप मैनेजमेंट ट्रेनी हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं आपको की पंचिंग ऑपरेटर बनाया हुआ, ठीक है ना, अपना काम निकाल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे आप, तो फिर क्या आप 5,000 जॉब करेंगे? तो जो जो एक एक ऑडिट में जो यूज हो रहे होते हैं कंपनी का, जो पूरा ऑडिट होता है, तो क्या वहाँ एक्सेल यूज नहीं होती? और एक कंपनी के ऑडिट पे कितने लाखों रुपए लिए जाते हैं ये आप लोग समझ जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को आपने किस तरीके से यूज करना है, तो देयर इज अ टेक्नोलॉजी कि आप किस तरीके से इसको यूज करें।
ये इसका मकसद है कि आप यहाँ इसको किस तरीके से यूज करें। इसी तरह आप अगर इसके ऊपर ऐसी फील्ड जो आपको कोई एनालिसिस में लें तो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो सारा आपका काम किस पे कर रहा है, डेटा की प्रेजेंटेशन पर, कि डेटा को आप प्रेजेंट किस तरह करें। मेरे पास ये तीन रीजन आ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ दो रीजन मेरे मर्ज होगा किसी एक रीजन में, सेंट्रल और नॉर्थ मर्ज हो गए। अब मुझे इन दोनों की सेल प्लस करके दिखानी, मैं यहाँ क्या करूँ। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कैलकुलेटेड आइटम या भी कुछ वो बीपी वगैरह के हिसाब से कुछ चीज़ें दे रहा है। तो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल होती है, उन टेक्नोलॉजीज के टूल्स को यूज़ करें तो आप काम कर सकते हैं। और वो किस तरीके से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल, जैसे न्यू वाइस प्रेसिडेंट के नाम से मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, देखिए, और यहाँ फिल्टर से वो लिस्ट हटा दी। अगर मैं सारे कर दूँगा सिलेक्ट ऑल तो सेल ज़्यादा हो जाएगी ना, ठीक है। आइटम को जब मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है तो मैंने क्या किया, एक लगा कैलकुलेटेड आइटम, ये आइटम आप क्रिएट कर लें। तो सारा गेम टूल्स के ऊपर है कि टूल्स को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इसी तरह कस्टमर की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं और कस्टमर की भी वर्चुअल फील्ड बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें करवाऊंगा। ये कंपनी रिक्वायर्ड कर रही होती है कि आप टूल्स को इस लिहाज से स्मार्टली यूज करें। इसी तरह आपके पास पाइवट चार्ट भी होते हैं, पाइवट टेबल भी होता है और पाइवट चार्ट भी होता है। आप अगर ये चाहते हैं मूव चार्ट न्यू शीट पे चार्ट वन के नाम से मूव हो जाए तो यहाँ देखें डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी है, किस कस्टमर की क्या रेवेन्यू आ रही है ये आप यहाँ से देख सकते हैं।